तो आज हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड, ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में दो पार्ट है, एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में और एक भाग में डिस्कस करते हैं एमिनो एसिड के बारे में। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं। पहला चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं कैजिट के बारे में। तो पहला चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोलते थे शुरू में हाइड्रेटेड कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, माने वैसे मॉलिक्यूल अगर जिनको डिहाइड्रेट कर दिया जाए तो सिर्फ कार्बन बचा हुआ रह जाए, शुरू में उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता था। जैसे देखो ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर इस फॉर्मूला से हम लोग -6 मोल H2O बाहर निकाल लें तो ये 6 कार्बन प्लस 6 H2O के फॉर्म में ये नहीं दिख जाएगा, तो कार्बन के हाइड्रेटेड फॉर्म में ही ये है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते थे शुरू में उनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता था। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत बहुत सही नहीं था। क्यों सही नहीं था ये डेफिनेशन? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल में आने लगे जिनका फॉर्मूला तो इस तरह का था लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते थे। जैसे सर, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। अरे क्या फॉर्मल्डिहाइड को देखोगे तो HCHO, ये C+H2O के रूप में है ना, देखो तो, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट बोला किसको जाता है, असल में कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो जानते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो अगर फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो, हाइड्रोलाइज्ड करने का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करें, तो फिर से कम कार्बन वाले पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ही जेनरेट करते हो, उनको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। दोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच इफ गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, जो अगर हाइड्रोलाइज्ड हो, व्हिच इफ गेट्स हाइड्रोलाइज्ड अगेन प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन ही बना दे, हैविंग लोअर नंबर ऑफ कार्बन, देन दीज मॉलिक्यूल्स आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अरे बेटा, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन अगर ध्यान से हम लोग सुने हुए हो तो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में ही एक चीज बहुत क्लियर था। क्या क्लियर था? कि कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हुआ करेगा, एक हुआ करेगा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, एक हुआ करेगा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो। ठीक है, जानते हो बेटा, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उनको हम लोग बोल देते हैं अल्डोज, और जिनमें कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से दो भाग में बांटा गया है, वन ऑफ देम इज नेम्ड एज अल्डोज एंड अनदर वन इज नेम्ड एज कीटोज। ठीक है, जानते हो बेटा, अल्डोज फैमिली और कीटोज फैमिली में नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर ही नेमिंग करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया है। जैसे अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज, एल्डिहाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप हो और 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट हो तो अल्डो हेक्सोज, अल्डो पेंटोज करने का मतलब एल्डिहाइड्रिक मेन फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन का संख्या यहाँ कितना है, 5 है। सिमिलरली कीटोज में भी कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज इस तरह से उनका भी नेमिंग कर लिया जाता है। ये भी नाम लिखने का, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम लिखने का एक तरीका है। जैसे हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 कार्बन है और एल्डिहाइड्रिक मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एक अल्डो हेक्सोज का उदाहरण हो गया। यह उदाहरण हो गया क्या, जिसका एक अल्डो हेक्सोज का उदाहरण हो गया। ठीक है, जानते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर से रिएक्शन करवाने पर वो कितने छोटे छोटे यूनिट में डिसोसिएट होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, इस बेसिस पर भी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है और इनको 3 भाग में बांटा गया है।
एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, एक को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज न हो उनको मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। अरे बेटा, मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण अगर बोले तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हो जाते हैं किसके, मैनोज, ये सब उदाहरण हो जाते हैं किसके, मोनोसेक्राइड के उदाहरण हो जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ये सब मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण हो गए, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। अरे बेटा, ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं वैसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने पर, जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर दो से लेकर दस दस मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करवा रहे हो। दोज कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूसेस 2 to 10 molecules when hydrolyzed are called catches oligosaccharides, ठीक है। अरे बेटा, कुछ oligosaccharides में disaccharides और trisaccharides का उदाहरण हम बोलते चलते हैं, सुनना। पहले disaccharide का उदाहरण हम बोले तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माल्टोज, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैचेस, माल्टोज। माल्टोज को अगर वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, माल्टोज को अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वह दो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। माल्टोज को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो माल्टोज हाइड्रोलाइज होकर, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे देता है, ग्लूकोज प्लस साथ में फिर से दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या चीज, ये ग्लूकोज दे देता है, ठीक है, माल्टोज। अरे बेटा, माल्टोज से आगे बढ़े, माल्टोज से हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सुक्रोज को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएं, इनका अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये ग्लूकोज और एक ये ग्लूकोज प्लस साथ में क्या चीज, फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अरे बेटा, इसके आगे हम लोग चर्चा करें तो क्या चीज के बारे में, तो इसके आगे चर्चा करें लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करवाएं तो ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, बोलो, ग्लूकोज और लैक्टोज, ये तीनों ट्राइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड से एक ट्राइसेक्राइड भी आप लोगों को सिखाए थे, याद है क्या जी, रेफिनोज। रेफिनोज जो होता है उनको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें तो क्या क्या, एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज प्लस एक ग्लैक्टोज, ठीक है, ये कुछ ओलिगोसेक्राइड्स के उदाहरण हो गए। अरे बेटा, तीसरा भाग जो इसका बोले थे वो तीसरा भाग क्या बोले थे, तीसरा भाग जो इसका बोले थे वो क्या था, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जिसमें 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हो हाइड्रोलिसिस पर, तो पॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण हो गए प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़कर बना हुआ होता है, जैसे प्रोटीन तो एमिनो एसिड का ये होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण अगर बोले तो सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वह क्या होता है, वह एक पॉलीसेक्राइड्स का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे, क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे क्या चीज के आधार पर, तो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करवाने पर कितने वो मोनोमेरिक यूनिट्स में टूटते हैं। जानते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट को एक और आधार पर बांटा गया है और इस आधार पर मात्र दो भाग में बांटा गया है। कुछ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर और कुछ को हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नाम देते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग टेस्ट दिखा दे, माने फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी बना दे, उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और जो फेलिंग टेस्ट न दिखा पाए उनको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जानते हो बेटा, जितने भी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड होते हैं, वो उदाहरण होते हैं क्या चीज के, रिड्यूसिंग शुगर के। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो उदाहरण होते हैं किसके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के, ठीक है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर हो सके तो याद रखना, और वो एक्सेप्शन क्या चीज है, वह एक्सेप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाता है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। जानते हो क्या, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक्वस मीडियम में साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके क्रिस्टल्स को अगर हम लोग पानी में घोल दें तो वह साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाते हैं, ठीक है। जब 5 मेंबर साइक्लिक रिंग के फॉर्म में हो ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग, फ्यूरानोज फॉर्म। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूरानोज फॉर्म बोल देते हैं। और जब 6 मेंबर साइक्लिक रिंग के रूप में हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पायरानोज फॉर्म। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पायरानोज फॉर्म बोल देते हैं। 5 मेंबर रिंग के रूप में हो तो फ्यूरानोज, फ्यूरोन होता था ना, फ्यूरोन 5, फ्यूरोन ये होता था ना, तो यहाँ 5 ही मेंबर है ना। फ्यूरोन का स्ट्रक्चर ऐसा, याद कर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन यूज करते थे, याद करो, ये हमारा क्या चीज है, फ्यूरोन। यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग है, 5, तो 5 मेंबर का रिंग हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं इसीलिए क्या चीज, फ्यूरानोज फॉर्म। 6 मेंबर का रिंग हो तो उसको बोल देते हैं क्या चीज, पायरानोज फॉर्म, ठीक है बेटा। अब सुनो, हमको यहाँ पर आपके साथ 3 टर्म का डिस्कशन करना है। हम आपको यहाँ पर 3 टर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपीमर, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोमर, और एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ये 3 टर्म क्या होता है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। कौन कौन सा 3 टर्म बोले हैं, इपीमर, एनोमर और म्यूटा रोटेशन। देखते चलो, पहला टर्म जो हम डिस्कस करेंगे उस टर्म का नाम होगा इपीमर्स, दूसरा टर्म जो चर्चा करेंगे वो होगा एनोमर्स, और तीसरा टर्म जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, म्यूटा रोटेशन। सुनना बेटा, इपीमर क्या होता है, सुनो। जैसे यह आपके सामने जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यह स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, यह स्ट्रक्चर होता है क्या चीज का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये OH, फिर यहां OH, और फिर अंत में CH2OH, ये ग्लूकोज होता है। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते हो, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का DL नेमिंग कैसे होता है वो आप लोग जानते हो। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में जो लास्ट काइरल सेंटर है उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मॉलिक्यूल का D या L फॉर्म हम लोग डिसाइड करते हैं। काइरल सेंटर है कौन, तो काइरल सेंटर है ये, ये, ये और ये, ये इतने काइरल सेंटर है। लास्ट काइरल सेंटर का स्ट्रक्चर डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा है कि एल ग्लिसरल्डिहाइड जैसा है, तो डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा है, तो यह मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज है। यह मॉलिक्यूल कौन सा ग्लूकोज है, यह मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज है, ठीक है। और यही ग्लूकोज हम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, ग्लूकोन डी,
तो डी वाला फॉर्म का ग्लूकोज है ये। अगर ये उधर की तरफ होता तो फिर वो एल सीरीज कहलाता, फिर वो क्या कहलाता, एल सीरीज। अच्छा सुन बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख ध्यान से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख ध्यान से, इसमें काइरल कार्बन कितना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस नहीं है। अरे बेटा थ्योरेटिकली इसके कितने आइसोमर संभव है, 2 to the power 4, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस नहीं है तो 2 to the power 4, 2 to the power 4 कहने का मतलब कितना, 16। तो इसके टोटल 16 आइसोमर होते हैं, इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो जाते हैं, 16। माने अगर काइरल सेंटरों का खाली हम एक का इधर, एक का इधर, बाकी का इधर, एक का इधर, ऐसे कर करके अगर रोटेट करते चले तो इसके कितने आइसोमर हो जाते हैं, 16। अच्छा सुनो, उस 16 आइसोमर में 8 जो होगा वो डी सीरीज का होगा, अब बाकी 8 जो होगा वो एल सीरीज का होगा। 8 जो होगा वो किस सीरीज का होगा, डी सीरीज का होगा, 8 जो होगा वो एल सीरीज का होगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं सबसे पहले इस टर्म के बारे में समझाने के लिए, पहला वाला जो टर्म था उसको समझाने के लिए चलते हैं। सुनो बेटा, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में सिर्फ एक सेंटर का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो, सिर्फ एक सेंटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उनको एक दूसरे का इपीमर बोला करते हैं, उसको एक दूसरे का क्या बोला करते हैं, इपीमर। इपीमर किसको बोले, ध्यान दिए थे क्या बोले थे, बोल। अगर किसी दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में सिर्फ एक सेंटर का, जैसे एक मॉलिक्यूल होता है डी मैनोज, मनोज नहीं, मैनोज, MANOSE, मैनोज, मैनोज में खाली ये सेंटर का इधर से इधर हो जाता है। डी मैनोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान दे रहे हो, डी मैनोज में खाली ये सेंटर में H इधर हो जाना है, OH उधर, रेस्ट का कॉन्फ़िगरेशन हूबहू ऐसे का ऐसा ही, ये एच, ये यहाँ पर एच, ये ओ एच, और फिर नीचे में भी ये एच, इधर क्या चीज, ओ एच, और ये वाला मॉलिक्यूल क्या चीज, ये CH2OH, और ऊपर में क्या चीज, तो CHO, एच उधर डबल बॉन्ड ओ लिखो चाहे सी एच ओ लिखो, बतवाइज सेम। तो ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है ये मॉलिक्यूल है डी मैनोज, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल का नाम स्ट्रक्चर याद रखोगे डी मैनोज है। अरे तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं है, देख तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ दो, एक ही कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में ना अंतर है, ये वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम लोग बात करें तो अगर पूरे कार्बन चेन को नंबरिंग देने तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा ना, ये दूसरे कार्बन का ना कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो बेटा ये दोनों को रिलेशन को हम लोग C2EP बोल सकते हैं। ये दोनों जो मॉलिक्यूल हो गए वो दोनों कैसे रिलेटेड है, ये C2EP है, माने दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन खाली डिफरेंट है और बाकी सारा का सारा चीज जो है वो सेम हो। अच्छा सुनना सुनना, एक टर्म हम लोग पढ़े थे काफी दिनों पहले जिसको हम लोग बोलते थे डाइस्टीरियोमर्स, याद है ये चीज, क्या पढ़े थे, डाइस्टीरियोमर्स किसको बोले थे, याद है किसको, जिनका कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली सेम पार्शियली डिफरेंट हो, वही ना डाइस्टीरियोमर्स। अरे बेटा पूरा पूरा मिरर इमेज हो जाता था तो इनेंसियोमर्स, जो मिरर इमेज नहीं होते थे वो डाइस्टीरियोमर्स होते थे, याद आया, डाइस्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, लेकिन स्टीरियोमर्स होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो उसको हम लोग डाइस्टीरियोमर्स। और डाइस्टीरियोमर्स का पहचान क्या था कि कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली पार्शियली। अरे तो इपीमर्स भी एक तरह के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ये बात समझ में आ रहा है, इपीमर्स में भी बहुत से जगहों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, खाली एक ही जगह में डिफरेंट है, तो मेरे डेफिनेशन पर तो पूरा पूरा बैठ ही रहा है, तो इपीमर्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। ये इतना बात इपीमर्स से जान पहचान हो गया है, इपीमर्स समझ गए, चलिए आगे बढ़ा जाए यहाँ से। अरे बेटा यहाँ से अगर आगे बढ़े हम लोग, इपीमर्स से अगर आगे बढ़ गए हैं तो जो अगला टर्म हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो टर्म है एनोमर। ये एनोमर क्या होता है वो सुनना, खूब अच्छे से समझना, एनोमर्स क्या है,
अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को हम लोग एक्वस मीडियम में प्लेस कर दें तो वह साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, और साइक्लिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करने लगता है उस समय या तो वो 6 मेंबर रिंग बनाता है या तो 5 मेंबर रिंग बनाता है, ठीक है ना। तो बेटा अगर फ्री फॉर्म में रहता है ना, अकेले मॉलिक्यूल रहता है ना, तो ज्यादा समय वो 6 मेंबर रिंग ही बनाता है। लेकिन कंबाइंड फॉर्म में अगर रहे, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ फॉर्म में रहे, तो फिर वो क्या करने लगता है, फिर वो 5 मेंबर भी बनाता है। माने ऐसा नहीं कि कंबाइंड फॉर्म में हर बार 5 बनाता है, 5 भी कोई कोई बनाता है, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। ग्लूकोज हमेशा माने कंबाइंड फॉर्म में भी जब वो किसी के साथ जुड़ा हुआ रहे तब भी, और अकेले भी, दोनों हालत में वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर ही बनाता है। ग्लूकोज हमेशा कौन सा है, पायरानोज की फ्यूरानोज, पायरानोज फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसका 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो समझिएगा। देखिए ये है आपका ग्लूकोज, किसका ग्लूकोज है, आपका ग्लूकोज आपके बॉडी में, ये आपका ग्लूकोज नहीं, बहुत से लोग अपना ग्लूकोज साथ में लेके चलते हैं, ग्लूकोज का कमी होता है, थोड़ा नाखून खा लेते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक, 6 बनाए ना जी, 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है। जानते हो बेटा हो क्या रहा है, हम लोग जब इसको साइक्लिक फॉर्म में दिखाते हैं, जब इसको हम लोग दिखाते हैं कौन से फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में दिखाते हैं, तो वहां पर एक कन्वेंशन बना लिया गया है। क्या कन्वेंशन बना लिया गया है कि जो भी कार्बन, जो भी ग्रुप दाहिने साइड में, ये स्ट्रेट चेन के दाहिने साइड में हो, उसको हम लोग दिखा देते हैं कहां पर, तो उसको हम लोग दिखा देते हैं रिंग के, रिंग में नीचे की तरफ, और जो इधर के तरफ होते हैं उसको हम लोग दिखा देते हैं किधर के तरफ, रिंग में ऊपर के तरफ दिखाया करते हैं। ध्यान दिए हम क्या बोले हैं, जो जो दाहिने तरफ होते हैं उनको हम लोग दिखा देते हैं किधर के तरफ, नीचे के तरफ दिखा देते हैं, ठीक है, और जो बाएं तरफ होते हैं उनको हम लोग, तो हम बोल रहे थे कि देखो ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नंबरिंग कर दें, इसमें जो कार्बन है उसको नंबरिंग कर देते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां पर हमारा CH डबल बॉन्ड O, CH O कर दें या C डबल बॉन्ड O कर दो, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड दिखा देते हैं और इधर की तरफ H दिखा देते हैं, और ये हमारा कार्बन नंबर 2, ये हमारा कार्बन नंबर 3, ये हमारा कार्बन नंबर 4, ये हमारा कार्बन नंबर 5। देखता दूसरे कार्बन पर इसके दाहिने तरफ कौन है, OH। तो कन्वेंशन में हमने माना हुआ था कि जो दाहिने तरफ होगा उसको नीचे दिखा देंगे, तो ये H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ। फिर थर्ड कार्बन पर नीचे की तरफ कौन हो गया, एच, ऊपर की तरफ कौन हो गया, OH। फिर चौथे कार्बन पर अगर देखोगे तो नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, बोलो, तो चौथे कार्बन पर नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, OH, और ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, H। बेटा पांचवे कार्बन पर क्या हो जाएगा बोल तो, पांचवे कार्बन पर जो है वैसे ही बोलना, नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, OH, ऊपर की तरफ कौन होगा, एच, और इधर की तरफ कौन हो जाएगा, CH2OH। जानते हो होता क्या है, 6 मेंबर रिंग बनाना है तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहां अटैक करना है, ठीक है, ध्यान देना, अगर 6 मेंबर रिंग बनाना है तो इस कार्बन के ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को यहां अटैक करना है, तो ये यहां अटैक तभी करे जब ये सामने के तरफ हो, इधर के तरफ हो, ठीक, ये इधर के तरफ हो तभी ना, ये तो अभी प्लेन के पीछे है, हम लोग याद है इस प्रोजेक्शन में, ये तो अभी हाइड्रोजन OH प्लेन के पीछे है, ठीक है। अब अगर इसको यहां लाना हो तो याद है उसके लिए क्या सिखाए थे, उसके लिए आप लोगों को सिखाए थे कि वहां पर हम
हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर में चेंज, माने एक का पोजीशन चेंज किए तो उनका भी पोजीशन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, अगर एक पेयर का पोजीशन हम चेंज किए, CH2OH को नीचे आप OH को ऊपर कर दिए, ठीक है, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन हूबहू यही रखने के लिए जो हमारा CH2OH नीचे आएगा उसको ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे करना पड़ेगा। हम एक स्ट्रक्चर और मिटा नहीं रहे हैं, हम इसी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम अगर इसी में लिख दें तो देखो क्या कर रहे हैं, यह OH को देखो कहां कहां, ये पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया तो हमारा OH वहां CH2OH यहां आ गया, फिर CH2OH को हाइड्रोजन के साथ इंटरचेंज कर दिए, तो कौन कौन सा ग्रुप कहां कहां चल गया तुम ही लोग बताना, तो तीनों को मिटा दे। ऊपर के तरफ कौन CH2OH, नीचे के तरफ कौन और सामने के तरफ कौन OH, सामने के तरफ कौन OH। अब देखो वो क्या रहा है, आपको याद है कोई एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दे तो हेमी एसिटल बन जाता है, किसी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दे तो हेमी, फिर एसिडिक मीडियम में वो बदल जाता था एसिटल, कीटोन होता था तो कीटल। यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये हमारा अल्कोहल है, यह अपने लोन पेयर के कारण अटैक, ये बॉन्ड खुल गया और ये एच यहाँ चला जाए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना ले, एक स्ट्रक्चर बना लेते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये हमारा नंबर वन कार्बन है, ये हमारा नंबर वन कार्बन है, ये नंबर टू है, ये नंबर तीन है, ये नंबर चार है, ये नंबर पांच है, ठीक है, नंबर छह हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां आकर अटैक किया, ठीक है, और यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हुआ क्या कि ये OH हो गया, ये H हो गया। अब बाकी सारे जगहों का कॉन्फ़िगरेशन हूबहू वही का वही है, ये यहाँ H, ये OH, यहाँ भी ये OH, ये H, यहाँ भी ये क्या चीज बोलो, ये H, ये क्या चीज OH, और यहाँ पर जो जैसे था वैसा का वैसा ही CH2OH और ये क्या चीज H। अरे बेटा जब तक ये साइक्लिक फॉर्म नहीं बदला था तब तक इसमें काइरल सेंटर कितने थे, जब तक ये साइक्लिक फॉर्म नहीं बदला था तब तक काइरल सेंटर कितने थे, चार, और अब काइरल सेंटर कितने हैं, देखो ना ये बना दिया काइरल नहीं हो गया, अरे एक दो तीन चार, वो चारों तो है ही, यह भी अब काइरल नहीं हो गया है, तो साइक्लिक फॉर्म बनते ही अगर कोई कार्बोहाइड्रेट अपने साइक्लिक फॉर्म में जाता है तो साइक्लिक फॉर्म में जाते ही मॉलिक्यूल में एक और काइरल सेंटर जनरेट हो जाता है, साइक्लिक फॉर्म में जाते ही मॉलिक्यूल में एक और काइरल सेंटर डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वह जो काइरल सेंटर है वह हेमी एसिटल फॉर्म में है। हेमी एसिटल किसको बोलते थे, एक ठो OH और एक ठो OR रहा हो, यही ना, कीटल हो जाता था दोनों OR OR रहता था तो ये एसिटल या कीटल, और एक ठो OR के रूप में रहे, एक ठो OH के रूप में रहे, तो इसी को ना हेमी एसिटल बोलते थे। तो देखो ना वो वाला कार्बन जो हेमी एसिटल फॉर्म का कार्बन है, हेमी एसिटल के रूप वाला कार्बन है, ध्यान दिए, वह नया नया एनोमेरिक नया नया काइरल सेंटर डेवलप हो गया है, वो नया नया काइरल सेंटर डेवलप हो गया है, देख ध्यान से। अरे बेटा साइक्लिक फॉर्म में जो हेमी एसिटल फॉर्म वाला कार्बन होता है उसी को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोला करते हैं, ठीक है। और जब किसी दो कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक फॉर्म में सिर्फ एनोमेरिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, सिर्फ एनोमेरिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो तो उनको फिर हम लोग बोलने लगते हैं क्या चीज, तो उनको हम लोग बोलने लगते हैं एनोमर्स, उनको हम लोग क्या बोलने लगते हैं एनोमर, माने इसका जो दूसरा एनोमर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसका जो दूसरा एनोमर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा जानते हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां पर होना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होना है
एनोमेरिक सेंटर पर, ये एच ऊपर नीचे OH किधर के तरफ ऊपर, और यहाँ भी ये एच इधर OH इधर, और यहाँ भी ये OH इधर एच इधर, और फिर यहाँ भी यह एच इधर और OH इधर, और यहाँ भी जो जैसे था वैसे का वैसा ही ये CH2OH, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन से सेंटर पर, तो एनोमेरिक सेंटर पर डिफरेंशन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स। यह वाला जो फॉर्म है ना जिसमें OH नीचे के तरफ होता है, वह वाला फॉर्म जिसमें OH नीचे के तरफ होता है उसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोला करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को था ही अल्फा फॉर्म है, और यह वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग बोला करते हैं क्या जी, बीटा डी ग्लूकोज बोला करते हैं। ये वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोला करते हैं, ऊपर वाले को अल्फा डी ग्लूकोज बोला करते हैं। ठीक है, याद रख लिया, एनोमेरिक सेंटर पर OH अगर नीचे के तरफ हो तो वो अल्फा फॉर्म कहलाता है, एनोमेरिक सेंटर पर OH अगर ऊपर के तरफ हो तो वो बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। इतना कहानी समझ में आ गया था सभी लोगों को? ठीक है, अच्छा अब सुन बेटा क्या कह रहा है, हमको दो तीन चीज यहाँ पर समझाना है, सुन हमको यहाँ पर दो तीन बात समझाना है, ध्यान देना। एनोमर भी एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, एनोमर्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। इतना बात समझ में आ गया, एनोमर्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ठीक, अब सुनो एक बात, हम लोग अभी तक दो टर्म समझ गए हैं, इपीमर समझ गए हैं, एनोमर समझ गए हैं, बचा हुआ क्या चीज है, न्यूक्लियर रोटेशन बचा हुआ है। होता यह है कि ये फॉर्म दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करते हैं, यह दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में, और ओवरऑल ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ओवरऑल ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों को दोनों ओवरऑल क्या चीज है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे बेटा अगर ये लोग ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनका कुछ न कुछ स्पेसिफिक रोटेशन भी हुआ करेगा, जानते हो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन लगभग 111 डिग्री होता है, इनका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 111 डिग्री, और बीटा वाले फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना वह होता है, बीटा वाले फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है बीटा वाले फॉर्म का, तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 111 डिग्री, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितना 111 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक इनका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है कितना 19 डिग्री। ठीक है, जानते हो क्या, अगर पानी में हम लोग इस फॉर्म को घोल दें तो यह टोटल साइक्लिक फॉर्म में, और साइक्लिक फॉर्म में कुछ वो दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक, और जब इक्विलिब्रियम माने अकेले ये डालोगे तो ये भी उधर के तरफ बनेगा, और अकेले वो डालोगे तो वो भी इधर के तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम जब हो जाता है तो इक्विलिब्रियम के समय में 36.2% होता है अल्फा डी ग्लूकोज, इसका परसेंटेज हमने कितना कहा 36.2, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 63.8, इनका जो परसेंटेज हो जाएगा कितना 63.8% हो जाएगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम मिक्सर का स्पेसिफिक रोटेशन जो हो जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन जो हो जाता है किसका, इक्विलिब्रियम मिक्सर का जो हो जाता है वो हो जाता है 52.7 डिग्री हो जाता है, इक्विलिब्रियम मिक्सर का जो स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है 52.7 डिग्री हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर रोटेशन समझना बेटा, जैसे मान लो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया है कि अपने पास क्रिस्टल था क्या चीज का, तो बीटा डी ग्लूकोज का, अपने पास क्रिस्टल था क्या चीज का, तो बीटा डी ग्लूकोज का,
बीटा डी ग्लूकोज को हमने पानी में घोला, पानी में घोला तो जो शुरुआती स्पेसिफिक रोटेशन का रीडिंग आएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हो जिसमें स्पेसिफिक रोटेशन पता चल रहा हो, तो शुरुआती रीडिंग कितना आएगा? 19 डिग्री, बिकॉज 100% ऑफ क्रिस्टल्स आर बीटा डी ग्लूकोज, फाइन। लेकिन क्या वो परमानेंटली 19 ही रहेगा? नहीं, वो जैसे जैसे ये उस रूप में बदलता जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो चेंज होता जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अरे बेटा, एक्वस मीडियम में किसी कार्बोहाइड्रेट को घोलने पर उनके स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज होने की घटना होती है, यही चीज म्यूटा रोटेशन कहलाता है। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लेस्ड इन एक्वस मीडियम, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड व्हाट? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन किसको बोले, ये बात समझ में आया? द फेनोमेना ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, म्यूटा रोटेशन के नाम से पुकारा करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये बात समझ में आ गया था सभी लोगों को? म्यूटा रोटेशन कहते किसको है, ये समझ गए थे? ये वैल्यू याद रखना है, परसेंटेज और स्पेसिफिक रोटेशन किसका कितना है, इक्विलिब्रियम मिक्सर का कितना है, ये याद रखना है। ठीक है, आओ एक चीज हम यहां समझाना चाहते हैं। आपको याद है थोड़ा देर पहले हमने कहा था, कि मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। वो क्यों कहा था वो सुनना, जानते हो बेटा? जैसे अगर कहीं पर दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कहीं पर दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनते रहना, अगर कहीं पर कोई दो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल है, ये COH और इसका भी ये COH हो, और ये विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतना चीज वाटर बनकर निकल जाए और ये सी ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाए, ये सी ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोला करते हैं? ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोला करते हैं। ठीक है, जानते हो बेटा हमको कहना क्या है, इसको क्या बोला करते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला करते हैं। ठीक है, सुनो, अगर एलोमेरिक कार्बन का OH ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, ध्यान से सुनो, अगर एनोमेरिक कार्बन का OH ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, माने ये स्ट्रक्चर यहां का ऐसा न रहे, ये OH के कारण कोई बॉन्ड बन जाए, तो ये अगर बॉन्ड बन गया तो ये फिर से इस रूप में नहीं बदलेगा। ये तीनों तो एक दूसरे में इंटरकन्वर्सिबल होते हैं ना, पानी में डालो तो ये इस रूप में या इस रूप में, क्रिस्टलाइज कर दो तो फिर इस रूप में चला आता था। लेकिन अगर ये चीज, तो तभी ना फिर से वापस डबल बॉन्ड ओ के रूप में रहेगा जब यहां एच ही रहे। लेकिन अगर ये बॉन्ड बना ले, ये अगर कोई बॉन्डिंग में चला जाए, ग्लाइकोसाइड लिंकेज या एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, ये OH अगर यहां से खत्म हो जाए, किसी भी रूप में बदल जाए, तो फिर वो सुगर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फिर से वापस एल्डिहाइड में नहीं बदलेगा, और वापस एल्डिहाइड में नहीं बदलेगा तो फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ये बात समझ में आया? जानते हो जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना, जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो इधर से भी बनाएंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज, और इधर से भी ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाएंगे, और जैसे ही इधर से ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाए तो उसका एनोमेरिक वाला OH ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एनोमेरिक OH अगर खत्म हुआ तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग। बात समझना, अगर कोई भी दो कार्बोहाइड्रेट अपने, ये भी अपने एनोमेरिक, एकदम ध्यान से सुनना बहुत मन शांत करके, कोई भी दो कार्बोहाइड्रेट हो, ये पहला वाला मॉलिक्यूल भी अपने एनोमेरिक OH और दूसरा वाला भी अपने एनोमेरिक OH के द्वारा अगर ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना ले, तो दोनों का एनोमेरिक OH चला गया, तो ऐसे जो डाइसेक्राइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई डाइसेक्राइड है, ध्यान से सुनना, अगर कोई डाइसेक्राइड है, ये इसका एनोमेरिक कार्बन है और ये उसका OH है, ठीक, और दूसरा डाइसेक्राइड है उसका एनोमेरिक कार्बन उधर है,
इधर वाले किसी कार्बन के द्वारा इससे वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना लिया, तो एक का एनोमेरिक तो खत्म हो गया लेकिन दूसरे का एनोमेरिक तो फ्री है ना, वो तो फिर से एल्डिहाइड ग्रुप में बदल जाएगा ना। तो वैसे इसीलिए जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग के उदाहरण हो जाते हैं। जानते हो बेटा, जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है ना, सुक्रोज मॉलिक्यूल एक डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनमें सुक्रोज में जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना है वो एनो दोनों के एनोमेरिक के ओएच के ही जुड़ने से बना है, दोनों का एनोमेरिक ओएच ही इन्वॉल्व है। क्या चीज में? ग्लाइकोसाइड लिंकेज में, कौन सा मॉलिक्यूल में? सुक्रोज में। इसीलिए वो क्या हो जाता है बेटा, अगर कोई भी डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछे कि ये रिड्यूसिंग होगा कि नहीं होगा, तो जवाब दे सकते हो। अगर कोई भी डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर दे दे तुम्हारे सामने, डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर दे दे, तो हम लोग क्या खोजेंगे कि दोनों का एनोमेरिक सेंटर कहां कहां है, और एक का एनोमेरिक सेंटर इन भी अगर फ्री मिल जाए, एक का भी एनोमेरिक सेंटर अगर फ्री फॉर्म में मिल गया, तो इसका मतलब वो शुगर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाया करेगा। ये बात समझ में आ गया? अगर मान लो दोनों का, दोनों जो ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, दोनों के जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाने में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों ग्लूकोपायरानोज है, माने ग्लूकोज है और पायरानोज फॉर्म में है, माने छह मेंबर रिंग है, ग्लूकोपायरानोज माने ग्लूकोज है और पायरानोज फॉर्म में है, ठीक है। क्या हुआ है कि एक ने C1 और दूसरे ने C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाया, पहला का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ? C1, और दूसरा का कौन सा इन्वॉल्व हुआ? C2। बताओ ये रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग होगा, समझ रहे हो? अगर दोनों का C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज बन रहा है तो रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। दोनों का C1 ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना रहा है, रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग का मामला क्लियर हो गया। एक चीज खाली और बताना जरूरी लग रहा है, आवश्यक लग रहा है। क्या चीज बताना जरूरी लग रहा है? सुनो, अगर OH नीचे के तरफ हो तो फिर उसको क्या, कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अल्फा की बीटा, अल्फा वाला फॉर्म बोलते हैं। अगर OH नीचे के तरफ हो तो उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अल्फा वाला फॉर्म बोलते हैं, जानते हो बेटा। लेकिन ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाने में अगर पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, माने एनोमेरिक सेंटर इधर नहीं बल्कि इधर के तरफ अगर होगा, तो हर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल चुका होगा। जैसे ही मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माने अगर कहीं पर कोई स्ट्रक्चर में देखना, अगर कोई स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन इधर बनाए हुए हैं, अगर किसी स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन इधर बनाए हुए हैं और OH यहाँ नीचे के तरफ है, अरे बेटा ये वाला फॉर्म अल्फा है कि बीटा है? अल्फा। ये वाला फॉर्म क्या हो गया है? अल्फा हो गया है, ठीक है। यहाँ